धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बड़ा रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, एग्जिट पोल अपने अपने तरीके से उन लोगों ने सर्वे किया था, लेकिन हमको एग्जिट पोल पे नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल पर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लोगों के घर घर तक पहुंच गई, लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप पूर्व में कद्दावर मंत्री रहे हैं, क्या इस बार भी बस्तर की जनता को आपको मंत्री के रूप में देखने का अवसर मिलेगा, क्या महसूस हो रहा है भैया आपको? देखिए, मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बड़ा रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और निश्चित तौर से उनके अथक प्रयास का परिणाम है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उनके घमंड को हार का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ पर यदि हम बात करें, चित्रकूट में यदि हम बात करें, पीसीसी के अध्यक्ष जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो उनको यदि हमारे मंडल अध्यक्ष ने हराया है, तो आप सोचिए कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ तक खत्म है। पूरा एग्जिट पोल कह रहा था भैया, बस्तर में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस पूरा विधानसभा क्षेत्र जीत रहा है, और प्रदेश में फिर से कांग्रेस रिपीट कर रही है, सभी चैनलों ने दिखाया, फिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया, क्या फैक्टर काम कर गया इस क्षेत्र में? देखिए, एग्जिट पोल अपने अपने तरीके से उन लोगों ने सर्वे किया था, लेकिन हमको एग्जिट पोल पे नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल पर जाना चाहिए। और एग्जिट पोल हमारे बीच में जो लोग खड़े हैं, इन लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लोगों के घर घर तक पहुंच गई, लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भूपेश बघेल की तरह नहीं, जो वादा खिलाफी करें और जो 5 साल में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस सरकार के द्वारा दावा करता रहा कि पूरे किसानों को लाभ दिया जा रहा है, किसानों की सरकार है, इस पर आप क्या कहेंगे और आगे की क्या प्लानिंग है केदार भैया, थोड़ा बताइए। देखिए, आगे की प्लानिंग तो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो रहेगी, उसमें हम लोगों ने जो घोषणा की है उसको हम 100% लोगों तक पहुंचाने का काम करें, उसके साथ साथ केंद्र की योजनाओं को निचले स्तर तक हम क्रियान्वित करें और लोगों के सुख दुख में साथ दें, न कि कांग्रेसियों की तरह कि कांग्रेस वाले कुछ कहें और करें कुछ। भले कहते हैं कि किसान के पुत्र हैं, कितने लोगों को खाद मिला, कितने लोगों को कहते हैं इन लोगों ने नकली खाद बेचा, कितने लोगों को बारदाना के लिए भटकना पड़ा, कितने लोगों को कहते हैं धान बेचने के लिए भटकना पड़ा। हमारे यहाँ पर जैविक खाद के नाम से जो मिट्टी दिया गया उसके प्रति कुछ कहेंगे कांग्रेस के लोग? वो उसी का तो परिणाम है, आज उसी के कारण से ये मुँह छुपा के भाग रहे हैं। आप पूर्व में कद्दावर मंत्री रहे हैं, क्या इस बार भी बस्तर की जनता को आपको मंत्री के रूप में देखने का अवसर मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जब मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक विधायक और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महामंत्री का दायित्व दिया गया और उस स्तर तक पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, और इस पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व, अभी मुझे विधायक का दायित्व दिया है, मैं विधायक का दायित्व अभी निर्वहन कर रहा हूँ, आगे जो भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये थे केदार कथ्यप जी, और बस्तर अंचल के काफ़ी कद्दावर नेता है, नारायणपुर क्षेत्र से भारी मतों से जीत कर आए हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिवंदु नायक, नमस्कार।